आडेनियम या डेजर्ट रोज, इसमें अगर फ्लावरिंग नहीं खिल रही है और आपके पास में कोई विशेष फर्टिलाइजर भी नहीं है, आज मैं आपके साथ में दो चीजें शेयर करूंगी। बहुत ही सस्ती सा फर्टिलाइजर है, बहुत ज्यादा 100, 200, 400 में नहीं मिलेगा और आडेनियम में भर भर के फ्लावरिंग होगी। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। आडेनियम अधिकतर सभी लोगों की पसंद होती है क्योंकि ये हार्डी होने के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत फूल देता है। इनके फूलों में किसी प्रकार की फ्रेग्रेंस तो नहीं होती है, लेकिन कलर पेटल बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत होते हैं। अगर आप लगाना चाहते हैं अपने गार्डन को सुंदर बनाने के लिए, आडेनियम को अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं। खूबसूरत होने के साथ साथ आडेनियम थोड़ा सा कॉस्टली प्लांट भी होता है, जिसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा रहती है। नर्सरी में आप लेंगे तो 250-300 के नीचे आपको आडेनियम देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मली सीजन वाइज सीजन प्लांट के रेट जो रहते हैं ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन आडेनियम एक ऐसा प्लांट है जिसकी प्राइस हमेशा एक फिक्स होती है, जिसकी प्राइस कभी भी कम नहीं होती है। स्पेशली मल्टी पेटल जो आडेनियम रहते हैं, जो गुच्छों में फ्लावरिंग करते हैं, जिनकी जो पेटल रहती हैं वो काफी सारी रहती हैं, 3 पेटल 4 पेटल जो आडेनियम रहते हैं उस टाइप के। अभी हमारे यहाँ पर 3 दिन से बारिश ज्यादा हो रही है, जिसके कारण से आपको फूल जो दिखाई दे रहे होंगे ये ऊपर के साइड नहीं, ऐसे झुके हुए नीचे के साइड दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनमें जो है पानी भी जमा हो रखा है। अब पानी हम कितना भी इनको झाड़ दें, लेकिन पानी तो इनमें रहेगा ही, क्योंकि रुक रुक के बारिश होती ही रहती है, और जब बारिश होती है तो काफी तेजी से बारिश होती है, जिससे कि इनके पेटल आप देख सकते हैं डैमेज भी हो गए हैं। बूंदे काफी बड़ी बड़ी रहती हैं बारिश की, उसके बाद में इनके पेटल बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं, और वैसे तो इनके फ्लावर काफी लंबे टाइम तक स्टे करते हैं, लेकिन जब बारिश ज्यादा होती है या धूप बहुत ज्यादा रहती है तब इनके पेटल बिल्कुल भी ज्यादा दिन तक रुक नहीं पाते हैं। तब भी बारिश के कारण मौसम जो है थोड़ा सा ठंडा है, इसलिए पेटल जो है इनकी भले ही डैमेज हो गई, लेकिन फ्लावर आप भी देख सकते हैं 3-4 दिन से ये फ्लावर खिले हुए हैं और बहुत अच्छे से अभी टिके हुए हैं। अधिकतर क्या होता है कि जब भी हम नर्सरी से पौधा लाते हैं तो उसमें कलियां भी काफी बनी रहती हैं और फ्लावर भी ब्लूम होते रहते हैं। रेनी सीजन में ये नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, पूरे ही प्लांट में बहुत ज्यादा फ्लावरिंग नहीं होगी। देसी जो आडेनियम होंगे उनमें पूरे में गुच्छों में फ्लावरिंग होगी, लेकिन जो इस तरीके के रोजी आडेनियम रहते हैं उनमें जो है रुक रुक के फ्लावरिंग होती है, अगर प्लांट आपका गर्मी के टाइम से ही फ्लावरिंग कर रहा है तो। तो इनमें ज्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए, रेगुलर वेस पे फ्लावरिंग लेने के लिए हमको फर्टिलाइजर देने पड़ते हैं। आडेनियम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर दिए जा सकते हैं, लेकिन जब हम कम कॉस्ट की बात करते हैं, क्योंकि अधिकतर जो फर्टिलाइजर होते हैं उनकी कॉस्ट काफी ज्यादा होती है, फ्लावरिंग तो काफी अच्छी होती है लेकिन उनकी प्राइस जो है ज्यादा होने की वजह से लोग उसको परचेस नहीं कर पाते हैं। मैं आपको 30-40 रुपए में मिलने वाला फर्टिलाइजर बताऊंगी, जिसको आप किसी भी प्लांट पर अप्लाई कर सकते हैं जो कि फ्लावरिंग प्लांट होंगे। उन पर अगर आप यूज करेंगे तो आपके पौधे बहुत अच्छे रहेंगे, गुलाब हो, मोगरा हो, जैस्मिन हो, आडेनियम हो, और उसके बाद में जो है प्लांट काफी हेल्दी दिखाई भी देगा। नीचे के कॉडेक्स से लेके, जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे का कॉडेक्स, आडेनियम का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो जो रहता है नीचे का कॉडेक्स, इसके कॉडेक्स के शेप से ही इसका प्राइस डिसाइड होता है कि ये कितना मेच्योर है, उसी हिसाब से लोग इसको परचेस करते हैं। जो नहीं जानते हैं वो फ्लावरिंग के हिसाब से ले लेते हैं, अगर छोटा सा भी कॉडेक्स रहता है प्लांट जो है इनमेच्योर रहता है। कुछ कुछ प्लांट ऐसे भी रहते हैं जो इनमेच्योर रहते हैं, उनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और नर्सरी वाले उसको बेचने लगते हैं, लेकिन आपको ऐसा प्लांट नहीं लेना चाहिए जिसका कॉडेक्स आपको अच्छा सा थिक सा दिखाई दे। अगर कॉडेक्स अच्छा हेल्दी है तो समझ लीजिए 1.5 से 2 साल का प्लांट तो जरूर ही होगा। मेरे दोनों ही प्लांट के आप कॉडेक्स देख सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत इनकी अच्छी हेल्दी कॉडेक्स हैं, और ये प्लांट जो है मैंने परचेस किए थे नर्सरी से ही, मैंने जो है इनको ग्राफ्ट नहीं किया, ये मेरे नर्सरी से परचेस किए हुए प्लांट हैं, जिनके फ्लावर आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर से फ्लावर इनमें आते हैं। जब हम नर्सरी से परचेस करके लाते हैं प्लांट तो वो जो है कोकोपीट और रेड सॉइल में लगे होते हैं, क्योंकि जो अधिकतर जो प्लांट रहते हैं पॉट में लगे हुए नर्सरी में मिलते हैं वो पुणे वेराइटी के प्लांट रहते हैं, तो पॉट को हल्का रखने के लिए इसलिए वो जो है थोड़ा सा रेड सॉइल और जो है कोकोपीट का यूज करते हैं। आप चाहें तो उसमें भी लगा के रख सकते हैं, प्लांट आपका काफी अच्छा हेल्दी सा चलता रहेगा, प्लांट बिल्कुल भी मरता नहीं है। फर्क इतना ही है कि आडेनियम में जो है पानी स्टोर नहीं होना चाहिए, अगर पानी स्टोर होगा तो प्लांट जो है नीचे से इसका कॉडेक्स श्रिंक हो जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा, नीचे से जो है इसमें फंगस लग जाएगा।
बाकी अडेनियम में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है जिसको आप सॉल्व ना कर सकें। तो अगर आप अडेनियम लेते हैं तो इस टाइम पर भी अडेनियम लेकर आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। सॉइल जो है, आप जितना ही वेल्ड्रन सॉइल बनाएंगे उतना ही प्लांट आपका हेल्दी रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने ये कंकड़ पत्थर का यूज किया है। आप सोच सकते हैं जब इसको डेजर्ट रोज कहा जाता है तो रेगिस्तानी पौधा रहता है, तो वहां तो कुछ भी नहीं रहता है रेगिस्तान में रेत के अलावा। तो जब ये रेत में बहुत अच्छे से ग्रो करता है तो हमको इसको रेत का ही यूज करना चाहिए। तो मैंने इसमें कोकोपीट, गार्डन सॉइल और इस तरीके के पार्ट जो हमारे कंस्ट्रक्शन सैंड के वेस्टेज रहते हैं उनका यूज किया है। प्लांट में बिल्कुल भी पानी स्टोर नहीं होता है प्लांटर में। हमारे यहाँ पर इतनी ज्यादा बारिश हुई बारिश में इस बार, लेकिन तब भी प्लांट आप देख सकते हैं मेरे प्लांट एकदम हेल्दी हैं। कोई भी ब्रांच रॉट नहीं हुई है, कोई भी ब्रांच में फंगस नहीं लगा है, प्लांट एकदम बढ़िया से चल रहे हैं। अब जब हमको फर्टिलाइजर देना है तो अगर आपके पौधे की गमले की मिट्टी में कोई भी बीट्स वगैरह जर्मिनेट हुई है छोटी बड़ी, तो आप उसको हटा सकते हैं। मैं बीच बीच में हटाती रहती हूँ, बीट्स बहुत ज्यादा जर्मिनेट होती है, तो अभी जो छोटी मोटी थी उसको हटा दिया है, तो उनको हटा लें। तो ये जो दो मेरे प्लांटर आपको दिखाए हैं मैंने, इन दोनों में ये फर्टिलाइजर मैं यूज कर चुकी हूँ। उसके बाद में आप देख सकते हैं इनमें फ्लावरिंग भी काफी अच्छे से हो रही है, ऐसे ही फ्लावर आ रहे हैं। इनकी अभी मैंने प्रूनिंग वगैरह नहीं की है, जब ये फ्लावर ड्रॉप हो जाएंगे तब इनकी मैं प्रूनिंग वगैरह कर दूंगी। लेकिन जो है आज मैं अपने इन प्लांटर्स में इस फर्टिलाइजर का यूज करूंगी। इनमें भी दो में जो है फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन प्लांट आपको अगर देखने से लग रहा होगा तो ब्रांच थोड़ी सी कम हेल्दी सी है, तो मैं इनमें ये फर्टिलाइजर डालूंगी और बताऊंगी इस फर्टिलाइजर से आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे। तो मैंने जैसे बताया कि बीट्स वगैरह हो तो आप उसको हटा लें। मेरे ये तीन प्लांटर हैं, इसमें आप देख सकते हैं ये मेरे ही ग्राफ्ट किए हुए प्लांट हैं, इसमें फ्लावरिंग हो रही है और इतनी ज्यादा बारिश होती है कि आप देख सकते हैं इसके जो कॉडेक्स है इस पे भी काई जम जाती है। और दूसरा प्लांटर जो है वो भी इस तरीके का है, और बारिश ज्यादा होने की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ से जब ब्रांच ज्यादा बड़ी हो जाती है, नहीं कट करते हैं, तो इस तरीके से ब्रांच पे बार बार वजन पड़ता है, बारिश गिरती है तो बीच से ब्रांच जो है फोल्ड होने लगती हैं, जब झुकने लगती हैं तो यहाँ से फंगस लगने लग जाता है क्योंकि उनमें गैप हो जाता है। तो इसको मैंने कट कर दिया था, तो यहाँ से मेरा प्लांट एकदम हेल्दी सा है। और अब इनमें मैं फर्टिलाइजर दूंगी, और ये वाला जो प्लांटर है इसमें इनको भी मैंने प्रून कर दिया था क्योंकि इनमें भी इधर से ब्रांच जो है रॉट हो गई थी, इसलिए जो है इसको यहाँ से भी कट कर दिया था। इसमें भी कलियाँ आ रही हैं, अगर आप देख पाएंगे तो इसमें भी आपको कली दिखाई देगी, छोटी छोटी कलियाँ आ रही हैं। तो अब जो है हम इनमें फर्टिलाइजर देंगे, जैसे मैंने बोला था कि बीट्स वगैरह हो तो उसको निकाल लेना है। मेरे गार्डन में जो जितने भी अडेनियम लगे हैं, अगर आप उनकी सॉइल देखेंगे तो अधिकतर जो है आपको सैंडी सॉइल में लगे हुए ही प्लांट मिलेंगे। इसमें भी इस तरीके से बीट्स जर्मिनेट हुई है, इसको हटाएंगे हम, ये देखिए ऐसी रूट्स रहती हैं। अगर हम ऊपर से कट भी कर देते हैं नीचे रूट रह जाती हैं, तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी रूट रहती हैं, फिर ये दूसरे तीसरे दिन फिर जर्मिनेट हो जाती हैं। इससे जो है ऐसी कंडीशन में आपके प्लांट को जो है जो हम फर्टिलाइजर देते हैं वो बिल्कुल भी मिल नहीं पाता है, आधा फर्टिलाइजर ये जो घास फूस रहती है ये ले लेती है, खींच लेती है। तो अब हम रिंग साइड बनाएंगे तीनों ही प्लांट में, इस तरीके से होल करेंगे, रूट साइड में नहीं करना है, मतलब कि कॉडेक्स साइड में हमको नहीं करना है, इस तरीके से ऊपर के साइड कॉडेक्स के ऊपर हमको ये जो हमारे सॉइल है इसको चढ़ा देना है और इस तरीके से गैप बना लेना है। तो तीनों में बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तीनों प्लांटर में मैंने इस तरीके से इनकी सॉइल को ऊपर के साइड में चढ़ा दिया है, और अब हम इनमें तीनों में ही देंगे फर्टिलाइजर। अब जैसा कि सभी को पता है कि इनके कॉडेक्स में पानी स्टोर रहता है, और बारिश में जब बहुत ज्यादा बारिश गिरती है तो पानी ओवर हो जाता है, कॉडेक्स से भी ज्यादा हो जाता है, तो ये मिट्टी में नमी बना के रखता है। और नमी जब ज्यादा होने लगती है, ये सैंडी सॉइल वाला प्लांट है, ये रेगिस्तानी पौधा है, जब मिट्टी में नमी बहुत ज्यादा होने लगती है तो इसका कॉडेक्स श्रिंक होने का चांस रहता है, कॉडेक्स जो है फंगस लगने का चांस होता है। फंगस से बचाने के लिए हम इसमें साफ का फंजीसाइड का पाउडर यूज करेंगे। आपके पास में बेवेस्टिन हो उसका यूज कर सकते हैं, या ट्राइकोडर्मा हो उसका भी यूज कर सकते हैं, या नहीं है तो आप जो है हल्दी पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हल्दी पाउडर आपको महीने में 3 से 4 बार यूज करना पड़ेगा, और जब साफ का फंजीसाइड रहेगा तो आप 15 से 20 दिन में या महीने में 1 बार यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट काफी अच्छे मिलेंगे। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा फंजीसाइड हम जो है अपने सभी गमलों में इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे। आप चाहें तो इसको, अगर मिट्टी गीली ना हो तो आप जो है इसको पानी में मिक्स करके भी दे सकते हैं।
उससे जो है एकदम नीचे तक ये पहुंच जाएगा। लेकिन मेरे मिट्टी में जो है नमी बहुत ज्यादा होने की वजह से मैं इसको इस तरीके से दे रही हूँ। ये दे दिए हमने फंजीसाइड, जिससे कि हमारा पौधा एकदम हेल्दी रहे, रूट रॉट ना हो, आराम से पौधा चलता रहे, इसमें किसी प्रकार का फंगस वगैरह ना हो। अब जो है हमको चाहिए कि हमारे पौधे का जो छोटा सा भी पौधा रहे तो उसका कोडेक्स काफ़ी हेल्दी होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी तो मिट्टी से ढक गया है, लेकिन ये मेरा लगभग 1.5 साल का भी प्लांट नहीं है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा ग्राफ्टेड प्लांट था, लेकिन अभी जो है रेनी सीजन के कारण इसकी ब्रांच रॉट हो गई थी। इसका कोडेक्स काफ़ी अच्छा है, इनके कोडेक्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ये कोडेक्स को हेल्दी रखने के लिए और फ्लावरिंग को ज़्यादा पाने के लिए 2-in-1 जो है फर्टिलाइजर है मेरे पास में, जो कि सस्ता सा फर्टिलाइजर है, इसका आप यूज करेंगे तो आपके पौधे बहुत हेल्दी रहेंगे। वो है ये दाने, ये दाने अडेनियम को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। ये जो है ये है DAP डाइअमोनियम फॉस्फोरस, फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर अडेनियम को बहुत ज़्यादा पसंद रहते हैं। कोडेक्स भी काफ़ी अच्छा हेल्दी रखता है, उसके बाद में पौधा आपका काफ़ी अच्छा रहता है, उसके बाद में फ्लावरिंग भी बूस्ट करता है। तो यदि आप चाहते हैं कि हम कम पैसे में बहुत अच्छा सा फर्टिलाइजर अपने अडेनियम को दे पाएं तो आप जो है DAP यूज करिए। 30-40 रुपए किलो आपको DAP मिलेगा। अब तो जो है विंटर आने वाला है, विंटर के अधिकतर हर प्लांट में DAP का यूज होता है, क्योंकि विंटर के प्लांट बहुत ही सेंसिटिव रहते हैं, उनकी ब्रांचेस काफ़ी पतली सी रहती हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती हैं, तो फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर उसके लिए बेस्ट रहता है। तो इसको हमको डालना कैसे है, छोटा सा प्लांटर है तो इसमें हम जो मेरे ये DAP के ग्रेन्यूल्स हैं ये मीडियम साइज के हैं, तो अगर आपके पास में 8-10 इंच का पॉट है तो आपके पास में बड़े ग्रेन्यूल्स हैं तो आप 8 दाने उस हिसाब से डाल सकते हैं। और यदि मेरी तरह मीडियम साइज के ग्रेन्यूल्स हैं तो ये छोटे वाले ग्रेन्यूल्स आप 6-7 दाने या 8 दाने जो है हर प्लांटर में यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हमको साइड साइड में, रिंग साइड में ऐसे स्प्रिंकल कर देना है, थोड़े थोड़े से ही दाने डालना है। एक बार आप ये फर्टिलाइजर खरीदेंगे तो मेरे ख्याल से आपको साल भर 1 किलो फर्टिलाइजर कम नहीं पड़ेगा, चाहे विंटर के प्लांट को आप दें या किसी भी प्लांट को आप दे सकते हैं। ये थोड़ा सा गर्म फर्टिलाइजर रहता है, इसलिए जो है इसकी मात्रा थोड़ी सी कम ही रखना चाहिए। अगर आप इसकी मात्रा ज़्यादा कर देंगे तो प्लांट आपका डेड होने के चांस हो जाएंगे, पत्तियाँ जो है जल जाएंगी। इतना करने के बाद में मिट्टी को हमको फिर से इसी तरीके से ढक देना है, ऊपर से जो हमने ऊपर मिट्टी चढ़ाई थी कोडेक्स पे उसको हटा देना है और इस तरीके से इसको ढक देना है, जैसे कि मैं ढक रही हूँ। इसी तरीके से आपको मिट्टी को ढक देना है तो फर्टिलाइजर भी ढक जाएगा और जो फंजीसाइड है वो भी ढक जाएगा ऐसे। अब इस फर्टिलाइजर को आपको, अगर आप ये ग्रेन्यूल्स फॉर्म यूज करते हैं, लिक्विड फॉर्म में नहीं यूज कर रहे हैं DAP को, आप लिक्विड फॉर्म में भी, लिक्विड बनाकर भी डाल सकते हैं या फिर पाउडर फॉर्म में करके, ग्राइंडर जार है उसमें ग्राइंड करके भी आप इसका यूज कर सकते हैं। इसको आपको मंथली एक बार ही अडेनियम पर यूज करना है, बार बार यूज नहीं करना है। इतना करने के बाद में भले मिट्टी में कितनी भी नमी हो, लेकिन अगर आपने अगर DAP यूज किया है तो आप उसमें पानी डालना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर पानी नहीं डालेंगे तो ये प्लांट जो है आपका नीचे से जलने के चांस रहेंगे। भले ही नमी रहेगी लेकिन तब भी आप जब भी फर्टिलाइजर देते हैं, कोई भी सॉलिड फर्टिलाइजर ग्रेन्यूल्स फॉर्म में, तो आपको पानी डालना आवश्यक है। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। इतना कर देना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो अगर आपके अडेनियम प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कोडेक्स हेल्दी सा नहीं है, फ्लावरिंग आ नहीं रही है, कलियाँ नहीं खिल रही और पानी आप देख सकते हैं किस तरीके से ड्रेन होकर निकल रहा है, थोड़ा सा ही पानी डाला है लेकिन पानी जो है निकलने लगा है, इस तरीके का सॉइल मिक्स बनाना है और ड्रेनेज जो है बहुत अच्छा बनाकर रखना है, तभी आपका अडेनियम सेफ रहेगा, चाहे बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो। तो मैं तो अपने अडेनियम में इसी तरीके के जो सस्ते से फर्टिलाइजर रहते हैं उन्हीं का यूज करती हूँ और मेरे अडेनियम में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी होती है, प्लांट भी हेल्दी चलते रहते हैं। अगर आपके अडेनियम में नहीं फ्लावरिंग हो रही है तो आप एक बार इस फर्टिलाइजर का यूज जरूर करके देखें। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।